कोरोना वायरस के कहर के बीच एक और वायरस की एंट्री ने लोगों को डरा दिया है। वेल्स में मंकी पॉक्स के दो मामले सामने आए हैं, जिसने कोरोना के खौफ में जी रहे लोगों को सहमा दिया है। पब्लिक हेल्थ वेल्स ने कहा कि जिन दो लोगों में मंकी पॉक्स के मामलों की पहचान हुई है, वे दोनों एक ही घर में रहते हैं। उसने बताया कि ये दोनों विदेश से संक्रमित हुए। बता दें कि मंकी पॉक्स पुराना वायरस है जो ज्यादातर अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। बताया जा रहा है कि दोनों संक्रमित लोगों को इंग्लैंड में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक को छुट्टी मिल गई और अब एक भी अस्पताल में ही है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा में पब्लिक हेल्थ वेल्स के सलाहकार रिचर्ड फर्थ ने कहा कि ब्रिटेन में मंकीपॉक्स के पुष्ट मामले एक दुर्लभ घटना है और इस वायरस से आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। उन्होंने आगे कहा कि हमने परीक्षण किए गए प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बहु एजेंसी सहयोगियों के साथ काम किया है और संक्रमित के सभी करीबी संपर्कों की पहचान की है। आगे संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स वायरस काफी हद तक स्मॉल पॉक्स के वायरस की तरह ही होती है। हालांकि यह बीमारी घातक नहीं होती और विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की संभावना कम है। यह वायरस ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वनों के मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के दूरदराज के हिस्सों में ही फैलता है। इस मंकी पॉक्स वायरस के दो मुख्य प्रकार हैं, पश्चिमी अफ्रीकी और मध्य अफ्रीकी। क्या है लक्षण? मंकी पॉक्स वायरस के मामले में शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होता है। इसमें भी चिकन पॉक्स की तरह ही दाने होते हैं। एक बार जब बुखार हो जाता है तो शरीर में दाने विकसित होने लगते हैं, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। इसमें आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में दाने होते हैं। यह मंकी पॉक्स वायरस 14 से 21 दिनों तक रहता है। यह कितना खतरनाक है? मंकी पॉक्स वायरस के अधिकांश मामले हल्के होते हैं, कभी कभी चेचक के समान होते हैं और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स कभी कभी अधिक गंभीर हो सकता है और पश्चिम अफ्रीका में इससे कई मौतें भी हुई हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।